नमस्कार। अभी कुछ दिन बाद वर्ष 2024 प्रारंभ हो रहा है और हमारे ज्योतिष के जो प्रेमी जन हैं उन्हें अभी से ये जिज्ञासा है कि वर्ष 2024 उनके लिए कैसा रहेगा। देवियों और सज्जनों, यदि आपकी राशि वृक्ष है तो वर्ष 2024 कैसा रहेगा उसके बारे में हम आपको अभी विस्तार से आगे चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी जो उपयोगी सामग्री है उसे शेयर भी करें। देवियों सज्जनों, गोचर कुंडली के अनुसार जो हमारी चंद्र कुंडली है, जो राशि की कुंडली होती है, उसमें गोचर के अनुसार जिनकी राशि वृक्ष है, वृषभ है, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपके पांचवें भाव में केतु विराजमान हैं जो पूरे वर्ष वहीं रहेंगे। सातवें भाव में इस समय मंगल और शुक्र गोचर कर रहे हैं और ये फरवरी में जैसे मंगल बदल जाएंगे, इसके अलावा जो शुक्र हैं ये भी आपके परिवर्तन हो जाएंगे 19 जनवरी को, तो ये परिवर्तनशील रहेंगे। आठवें भाव में सूर्य और बुध हैं, दसवें भाव में आपके शनि हैं, ग्यारहवें में राहु हैं और बारहवें में गुरु हैं। गुरु वक्री होकर के अभी मेघ राशि में है और 2 मई को वृक्ष राशि में चले जाएंगे, यानी आपके लग्न में आ जाएंगे। इसी प्रकार जो राहु है वो पूरे समय, पूरे साल में आपके 12वें भाव में, अर्थात आपके कुंडली के 11वें भाव में, 12वें मीन में रहेंगे, मीन के, और 12वें आपके 11वें भाव में रहेंगे। तदनुसार केतु आपके 5वें भाव में रहेंगे। तो इस प्रकार आपकी जो कुंडली बनकर के आ रही है उसके अनुसार, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ग्रहों का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है और ग्रह से ही सारी चीजें नियंत्रित हैं। आप देखते हैं कि ज्वार भाटा चंद्रमा के नजदीक आने की वजह से और बहुत सारे जो परिवर्तन हैं प्रकृति में, वो ग्रहों के कारण होते हैं, ग्रहों की गति के कारण, उनके आकर्षण और विकर्षण के कारण होते हैं। जो हमारे वृक्ष राशि वाले जातक हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं कि आप बहुत ही अनुशासित हैं, आप बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं, आप बहुत शांत रहते हैं, बहुत कोमल हृदय के हैं। यह आपके व्यक्तित्व के बारे में मैं पहले अपने तमाम वीडियो में बता चुका हूं। अब आपके 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है, अब वो भी शनि बकरी है, कुंभ पे उसकी 7.5 भी चल रही है और 10वें भाव में कर्म भाव में बैठ करके शनि आपको कड़ी मेहनत तो कराएगा लेकिन पूरे साल अच्छे परिणाम देगा। इसी तरह से 12वें भाव में आपके गुरु बैठा हुआ है तो गुरु वहां बैठ करके आपका व्यवसाय बढ़ाएंगे। अगर आप एक्सपोर्ट आज से जुड़े हुए हैं तो आपका एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा। नौकरी वालों का तो मान सम्मान काफी बढ़ना है इस अवधि में। मई से गुरु और शनि की जो दृष्टि है वो, उसके दृष्टि प्रभाव से आपके व्यापार में बहुत लाभ होने जा रहा है। 11वें स्थान का, 11वें भाव का आय स्थान पर बैठा हुआ राहु आपके धन आगमन के नए नए रास्ते बनाएगा और इसके प्रभाव से आपके व्यापार में भी काफी लाभ होगा। वर्ष के अभी प्रारंभ में, शुरू में शनि और गुरु की जो दृष्टि है उसके प्रभाव से थोड़ी आपकी जो पारिवारिक अनुकूलता है वो बनी रहेगी। पुनः 1 मई के बाद, अर्थात 2 मई से इसमें और बढ़ोतरी आएगी इस अनुकूलता में। और जब गुरु वृक्ष राशि में आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे,
तब आप देखेंगे कि घर में एक बहुत अच्छा वातावरण सृजित होगा, पुत्र आदि की शादी का योग बनेगा, सप्तम स्थान पर पत्नी से मधुर संबंध स्थापित कराने में मदद मिलेगी। और गुरु चूंकि अग्नि तत्व कारक है, अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है, अग्नि तत्व की राशि का बोधक है, तो इस अवधि में आपको पित्त संबंधी, पेट संबंधी, उदर विकार संबंधी समस्याएं भी संभावित हैं। 1 मई से, जब 1 और 2 मई को जब परिवर्तन होगा 2 मई से, तो वृक राशि में जब गोचर करेंगे बृहस्पति भगवान, तब आपकी पदोन्नति और जो लोग कंपटीशन साथ दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण तैयार होगा। अभी इस समय 7वें भाव में जो मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, इनका जो आपसी गतिरोध है उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, किंतु शनि कर्म भाव में बैठ करके वहां से आपके सुख स्थान को सीधे सीधे देख रहा है और गुरु जो है वो 12वें भाव में बैठ करके 4थे भाव को, उसकी 5वीं दृष्टि है, तो 5वीं दृष्टि को गुरु देख रहा है। ऐसी स्थिति में जो आपका सुख का स्थान है उसको वह और मजबूत कर रहा है, तो व्यवसाय में मंगल और शुक्र के रहने 7वें स्थान पे होने से कोई प्रतिकूलता आने की संभावना नहीं है, बल्कि यह वर्ष 2024 जो आगे आ रहा है इसमें आप के मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आपकी पदोन्नत के आपके चांस बन रहे हैं। घर में शादी विवाह का माहौल हो सकता है, माहौल बनेगा, पारिवारिक अनुकूलता बढ़ेगी, भाइयों में प्रेम बढ़ेगा, और जो लोग कंपटीशन साथ दे रहे हैं उनको सफलता, मई के बाद अगर आपका इम्तहान होगा, आपका एग्जाम होगा, आपका इंटरव्यू होगा, तो आपके सफलता के पूरे चांसेस हैं। हमारे जो वृक राज के जातक हैं वो इन बातों को ध्यान में रख के आगे अपने प्लानिंग आदि करेंगे, जिससे आपको अपने व्यक्तित्व विकास में, सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। तो मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि शनि 10वें भाव में बैठ करके और गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर होने से घर में पुत्रादि का विवाह योग, पारिवारिक अनुकूलता, सुख, और राहु 11वें भाव में बैठ करके आपको धनागम के नए नए रास्ते बनाएगा। पुनः 2 मई को जब गुरु आपके केंद्र में, लग्न में आ जाएंगे, तब यह अनुकूलता और बढ़ जाएगी और वर्ष पर्यंत कमोवेश आपको, चूंकि बाकी ग्रहों के बारे में, इसलिए कि वो बदलते रहते हैं, सूर्य बदलते हैं, चंद्रमा 2.5 दिन पे बदल जा रहा है, 1 महीने में सूर्य बदल जा रहे हैं, तो उससे इतना माइक्रोस्कोपिक उस पर विवरण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा जो आपकी गोचर कुंडली दिखाई दे रही है उसके अनुसार वर्ष 2024 आपका सुखमय, कल्याणमय, आपका उन्नतिकारक और आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा। इन्हीं बातों के साथ वर्ष 2024 की आपको अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।